हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ताइक्वांडो के चैंपियंस। यहाँ पे कोच साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे आप इसे। मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम के पास मेडल है। कोच साहब, कितने मेडल है टोटल यहाँ पे? हमारे पास 10 मेडल्स है। 10 मेडल है। कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज? एक गोल्ड है, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। आपका गला गया, मतलब 5 दिन में आपने पूरा गला खराब कर लिया। शुरू करते हैं। अरे बच्चा, ब्रॉन्ज मेडल कैसे एक्सपीरियंस था आपका? अच्छा था सर, पहले मतलब यू प्लेड अंडर 62, राइट? आप 67 भी खेले, 62 भी खेलते थे, कैसे एक्सपीरियंस था? अच्छा था सर, बहुत दिनों के बाद G2 में तो पहले मेडल है, मतलब ऐसे ही जीत के। मलिक साहब, हां जी, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मजा, बहुत बढ़िया। हां जी, ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, क्या दिन दिन की बात? नहीं, मैं बोल रहा हूं पसंद क्या है मेरे को। हां, गोल्ड। सिल्वर क्यों? हो जाता है, हो जाता है, एक जीतेगा एक हारेगा। अरे अगली नेक्स्ट टाइम क्या देखें, क्या क्या चाहिए नेक्स्ट टाइम? राधिका भंडारी जी सोच रही है भाई ये क्या। ओके नेक्स्ट बेटा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस G2 चैंपियनशिप? एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा। फर्स्ट टूर्नामेंट था। मार्गो, गोल्ड, इतने गोल्ड आपने जीते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप ना अभी गोल्ड लोन ले सकते हो, आप क्वालिफाई कर लियो। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था इस चैंपियनशिप का? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी गुड। अमन, मतलब अगर मैं बात करूँ, मतलब जितनी मैंने चैंपियनशिप देखी, द वे यू प्लेड, यू नो, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ, मेरे को मज़ा आया, मतलब इन्जॉय करने के लिए लगा। सो आप का कैसे एक्सपीरियंस था इस चैंपियनशिप का? 6-7 मैचेस खेले और दबा के मज़ा आया, मतलब मतलब पूरी एनर्जी लगाई थी, इसलिए आई थिंक जहाँ ज़्यादा एनर्जी लगती है वहाँ मज़ा भी आता है। फाइनल में क्या हुआ? कांग्रेचुलेशंस अमन, एंड आने वाले टाइम पे हम चाहेंगे कि आप जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ओलंपिक दूर नहीं है और इंडिया को डेफिनेटली आप प्राउड करा रहे हैं और प्राउड कराएंगे। नेक्स्ट यार, ये लड़का ना, मतलब इसकी फाइट देखोगे ना, बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट है। स्कोर लेता ना तो बताता, बेटा मैंने स्कोर लिया है। आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? ये मेरी पहली सीनियर चैंपियनशिप थी और मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैंने, अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई वो उन पर हम वर्क करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने बहुत बढ़िया खेला, कंग्रेचुलेशंस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। अरे ये टीम यहाँ से क्या, यहाँ नहीं, अब तो हम मिस लतिका को पकड़ेंगे। लतिका जी, आप इधर आइए। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एथलीट्स में से एक है। क्या मुझे बुढ़ापा बनना चाह रहे हैं? सीनियर एथलीट्स मींस यू नो, अचीवमेंट की अगर बात करें तो आपका जो अचीवमेंट है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। लतिका, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैं ये जानना चाहूँगा इस यू नो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल खेल चुके हो, 10 से 12 इंटरनेशनल में आप यू नो मेडलिस्ट रह चुके हो, काफ़ी लंबी आपकी जर्नी रही है, इस चैंपियनशिप से आप क्या लेके जाओगे, क्या एक्सपीरियंस है? इस चैम्पियनशिप से मैं बहुत ढेर सारा कॉन्फिडेंस लेके जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं खेलना चाह रही थी वैसे मैंने खेला, तो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, बट ऑब्वियसली हाँ, मेडल से नहीं। ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते, दिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन की बात होती है, अगर आपका दिन होता तो सब कुछ फेवर में होता है, नहीं होता तो फिर कुछ भी फेवर नहीं होता, तो कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ, मैंने जो करना चाहता वो किया, तो खुश हूँ, अच्छा है। सो ये थी हमारे साथ लतिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने लाइफ में आगे अच्छा करें, ताइक्वांडो में भी अच्छा करें। नेक्स्ट कहाँ, अरे ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ फाइनल में आपके? मैं वो जानना चाहूँगा। फाइनल में तो स्कोर कम रह गए दो। अच्छा, एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरा 6 इंटरनेशनल के बाद पहला मेडल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। नेक्स्ट, हाथ में क्या हो गया आपके? ये थोड़ा पंच वंच में चोट लग गई थोड़ी सी। इतना ज़्यादा पंच मार दिया आप? और ये बहुत अच्छा फीलिंग है जो मैं कैसे शेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड हम चाहेंगे आने वाले टाइम पे आप ऐसे इंडिया के लिए और मेडल जीतते रहे। जी हिमांशी, आप कहाँ कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, कहीं जा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस था इस चैंपियनशिप का? अच्छा रहा भैया एक्सपीरियंस, ना काफ़ी रेस्ट के बाद अभी दोबारा से। आपकी इंजरी ठीक है भैया? हाँ, इस बार पेन भी नहीं आया एंड सपोर्टिव था, बैलेंस नहीं गुम हुआ, अच्छी बात है। ओवरऑल अच्छा था, मतलब कम बैक के लिए तो बहुत अच्छा था सीरियसली। हम बात करेंगे श्रेया। श्रेया आप छुप क्यों रहे? इधर आओ, इधर आओ, आप छुप क्यों रहे? श्रेया, ऐसा क्या हुआ आज मेडल नहीं है?
आपको क्या लगता है क्या रीजन है मेडल ना जीत पाने का? ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कंपेयर्ड क्या और कुछ। तो ये थे हमारे साथ इंडिया ताइक्वांडो के एथलीट जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं। कुछ बोलना चाहोगे फिटिस्तान फैमिली को? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो हम मिलते हैं और बहुत सारे टीम से, और तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।